सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया, जयेश, भाभी, पापा, हम सब जा रहे हैं गीता बुआ के घर पे। वहाँ पे गणगौर का उजवना है, वहाँ पे भी हम आपको जाके बताएंगे। तो चलो चलते हैं यहाँ पे जयेश की। सो गाइस, अभी हमारा गणगौर का प्रोग्राम है बुआ के यहाँ पे। तो वहाँ पे बुआ के यहाँ जा रहे हैं गणगौर का प्रोग्राम करने के लिए। बाकी की डिटेल्स आपको वहाँ पे पहुँच के हम बताते हैं। पहुंच चुके हैं, जयेश भी एक्टिवा पे आ चुका है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे गणगौर पूजा हो रही है, यहाँ पे सब गणगौर पूजा कर रहे हैं। पहली मांडोलन के जैन है, मैंने कंडी से बचे पहला भी सीख लिया। दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मम्मी है, भाभी है और सभी जने हैं। और वहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है। ये उषा जी जी है, ये हमारे बुआ। हम बुआ के पास बैठे हैं। तो जितने भी आज हमारे गणगौर में लेडीज आई थी, उन सबको ऐसे तोहफा हम दे रहे। मैं उषा लबना, अबे तो घर देख लीजिए, लबना जी देख। गीता बुआ के द्वारा सभी को गिफ्ट सब प्रेम भेंट दिया जा रहा है। मम्मी मस्त लागन प्रोग्राम को। मस्त रहो भाई जी, प्रोग्राम बढ़िया रहो। भाई जाओ। हां नहीं, अब नहीं जा ठीक। चलो जीजी आई जो। चलो बाय, मिलते हैं। जाओ, नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना। सुबह यहाँ पे रील्स बनाई जा रही है सभी लेडीज द्वारा। तो आपको मैं दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन। फोन आ गया। ये मुझे था कि किसी और को था। आगे आओ बच्चे, बाय कर दो। आगे आ बच्चे, ये मैं नहीं नहीं लास्ट वाला। मासी जी हमारे। अच्छा, उनको ने गिरा देगी नहीं कभी। हां फोटो पर आया था। हां एक बार आया था। सो पापा मम्मी तो अभी जा रहे हैं, गर्मी सूरत में बहुत ज्यादा तेज है। भैया और सानल दीदी वगैरह सब ऊपर ही है, चलते हैं ऊपर से देखते हैं। सिद्धि भाभी के घर पे बंद हो रहा था, अब जाके फ्री हुए हैं। सिद्धि भाभी अभी फ्री नहीं हुई, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा। अभी तो मुझे खाना भी खाना है। खाना खाना बाकी है आपका? बाकी है, रख लूंगी। मेहमान आए हैं, उनकी लाश में अब बाकी है, अभी काम बाकी है। अब जया आई है जोधपुर से आज सूरत में। सगाई रह गई हूँ।
उद्यापन करियो ना, उद्यापन कर। ये हमारा खाना है और ये सब हमारे, ये मेरे सिस्टर्स हैं, एक दो तीन और चार है। हाँ तो खाना तो खा लिया ना आपने बस, और क्या। ठीक है दी, हमारा तो तोन निकल गई है गाइस, मेरे तोन निकल गई है थोड़ा सा। जिम जाओ। फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं वापस, युवा के घर पे चाय पीने के लिए, चाय बन रही है। और ये है सागर, ये मेरी बाजी है, तो ये रहती है जोधपुर में। तो ये जिया जी है हमारे। तो अभी जीजी बोल रहे एसी चालू है, दरवाजा खुला है। और बुआ अभी हॉरर लाग रहे हो नहीं, सब गहना वहना खोले बाद में एकदम एकदम हल्का फुल्का लाग रहे एकदम, है ना। जी हो रो जी सो रो मस्त रहेगा कार्यक्रम, बहुत जोरदार कार्यक्रम, मस्त। सुबह 4 बजे उठी मैं। ओहो 4 बजे उठ गया। मैं भी 6 बजे उठी, सबको 8 बजे उठती, आज 6 बजे उठी, सबको घंटी करके सबको एक एक को उठाया। ना हो चलो उठो, दादा सुला करो, चाय पियो। फिर बाद में 6 बज गए, जल्दी करो जल्दी करो, तैयार हो, कोई मेकअप करे, कोई क्या करे, कोई क्या करे। फिर मैंने बीना को बोला पुष्कर जी को फोन कर दो, 9 बजे फिक्स यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दिमाग में डोल वाले को फोन करना है, तो 9:30 बजे तक फोन किया, डोल वाले को आना है इधर, 10:15 पहुँचना है, 1 घंटे 10:15 पहुँचना। अच्छा मतलब काफी मैनेजमेंट करना पड़ी हो 11 बजे तक। मजा का पूरा काम मैंने किया, गार्डन अच्छा। में गए, वीडियोग्राफी का पूरा मैनेजमेंट वाला। हाँ गार्डन में तो सानल ने भी पूरा अच्छा काम किया, कलश लेके आए, कलश यात्रा भी हुई थी, हम गणगौर कलश लेके आए। हाँ गणगौर की पूजा की। मैं तो लेट आया था थोड़ा आज, क्योंकि मैं ही 11:30 उठियो। अगर आप जल्दी आते तो चेयर्स वाला मैनेजमेंट आप करते। हाँ तो सारी सखियाँ एक साथ में इकट्ठी हुई तो देखने का मजा की। नहीं वो मैं लिया ना बार वीडियो, वे बताऊँ आपने पूरा मस्त रिया है, गणगौर राज भी पूज है, वे भी जोरदार रिया है। चाय वाय पीते हैं फिर आपस में। एक बहू का चार का उद्यापन था, अच्छा प्रोग्राम हो गया, पूरा पूरा अपार्टमेंट ही जाएगी तो, है ना। माँ जी आ गए, हाँ सके संबंधी आ गए, सब आ गए, बाकी कोई नहीं आए तो बैठे रहे। रस्सी लेके, रस्सी लेके आ गया गगन। अरे रस्सी लगाने जरूरी थी कि सारी गाड़ियां नीचे, मतलब नीचे क्या है ना। हाँ पार्क नहीं कर दे अपने में, गाड़ियां लगा दे तो परेशानी हो जाती, इसीलिए पहले ही मतलब कि कर दिया। तब गाड़ियां नहीं लगाई, खाने के लिए तैयार है। खानो मस्त हो, मन काकड़ी जो सब्जी इतनी जोरदार लगी, 3 बार वही खाई मैं तो, रोटी और काकड़ी सब्जी। सो अभी सिद्धि भाभी आए हैं चाय लेके, धन्यवाद भाभी। नेस्कैफे की है चाय भी, नेस्कैफे की है। एक्स्ट्रा एक एक किसकी है, बिंदिया दीदी की है, सानल की है, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा कर करके कभी बर्तन भरे रह जाते हैं और कभी किसी आती नहीं है। बढ़िया चाय पी, अभी चाय पी रहे हैं, चाय पार्टी होगी, उसके बाद नीचे कुछ फंक्शन है वापस, कुछ चाय पियो, बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। नहीं अभी अभी कुछ नीचे वो जो गणगौरेश्वर का हुआ था ना, शायद कुएं में डालने के ले जाएंगे ऐसा कुछ है। तो बुआ ने बोला ना कुएं में डालेंगे, तो करियो देता था ध्यान में चीजें। हाँ अरे मतलब विदा करेंगे, विसर्जित करेंगे, हाँ तो जो भी है भी आपको बताएंगे हम। कुआ हमारे घर है ही नहीं, कुआ नहीं है, हम जा रहे हैं नीचे, उपवास खा रहे हैं सब जने, चल रहे नीचे। वो मैंने बोला नहीं था कि कुएं में डालेंगे, कर दे बंद कर दे, आने दे दे मासी। बोलो चलो चलते हैं इधर से, चलते हैं गाइस। अभी सुबह जो पूजा हुई थी वही जगह पे आप वापस पहुंच चुके हैं, तो अभी विसर्जन है कि जो शिव जी है जो पार्वती माता को लेने के लिए आए हैं, तो गाजे बाजे के साथ में अभी उनको विदाई करेंगे, अभी उनको झीमर झिमाएंगे, इनकी विदाई के गीत गाएंगे, फिर गाजे बाजे के साथ में इनको विदा कर देंगे। ओके पूजा सबसे किया जाएगी।
वो सुबह हो गया ना, वो सुबह दिखा दिया। तो यहाँ पे ईश्वर गणगौर जी की अभी विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन की तैयारी हो रही है। नहीं मैं लोग तो मांडो तो यहाँ पे इस टाइप की कुछ प्रथा है। तो अभी पूछते हैं, रुको, इस प्रथा को क्या कहा जाता है भाभी? इस प्रथा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है घाघरो मांडना। अच्छा, देखिए जितना बड़ा घेर बनेगा उतना बड़ा हमारा घाघरा बोले तो बढ़ता जाए, हमारा सुहाग बढ़ता जाए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे सबने अलग अलग घाघरा मांडा हुआ है। सबका घाघरा है, देख लो। तो इस टाइप से हमारे राजस्थान में संस्कृति का प्रोग्राम किया जाता है। जया दीदी घेर डाल रहे हैं, बहुत बड़ा घाघरा बनाया जया दीदी ने। अभी थोड़ी देर में ईश्वर और गणगौर जी का क्या बोलते हैं उसे विसर्जन किया जाएगा, उनको विदाई दी जाएगी। तो उनके हिसाब से यहाँ पे भी गीत गाया जा रहा है। तो यहाँ पे सारे सभी लेडीज हैं, यहाँ पे गीत गाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे जिनकी पूजा बाकी है वो पूजा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे विदाई देने से पहले सभी ईश्वर गणगौर जी को भोजन जिमाया जाता है। यहाँ पे विदाई से पहले पानी पिलाया जा रहा है। ये सिस्टम है, अंगूठे से पानी पिलाया जाता है। तो दोस्तों अभी ईश्वर गणगौर जी की विदाई के लिए हम लोग निकल चुके हैं। चलो अब अभी कहाँ पे हुआ? हुआ वहाँ करेंगे विसर्जन किया जाएगा। तो हमारे राजस्थान में गणगौर का त्योहार बहुत मुख्य तरीके से है। गणगौर राजस्थान बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शहर है गणगौर, वहाँ की बेटी मानी जाती है। अच्छा, तो हम होली के बाद से शायद ईश्वर जी, गौरी माँ गौरी और ईश्वर, तो उनके पूरे शादी का कार्यक्रम किया जाता है। होली के बाद से हम गौरा जी को अपने सब लोग अपने अपने घर पे बुलाते हैं, मतलब बेटी को अपने अपने घर पे बुलाते हैं शादी से पहले। जैसे उनको अच्छे से भोजन वोजन कराना, उसको हम कहते हैं बंदोरा। ओके, बंदोरा देते हैं। उसके बाद में आज गौर की तीज होती है। आज तीज के दिन ईश्वर जी आते हैं, मतलब कि शिव जी आते हैं, माता पार्वती से उनका विवाह करवाया जाता है। पार्वती यहाँ पे गौरी जो देवी है, उसके बाद में हम उनकी शादी करते हैं। फिर यही बस हम जो अभी जो विदाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब राजस्थान में सबसे मुख्य त्योहार के रूप से गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। जो सुहागन स्त्री है अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती है, इसलिए इसको माता गौरी का आशीर्वाद माना जाता है। अच्छा अच्छा, तो भाभी ने अपने भाभी ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा। बहुत फास्ट फास्ट चल रही है, चल रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए चल रहे हैं कि थोड़ा टाइम मिल जाए और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। थोड़ा डिले चल रहे हैं पीछे पीछे। और क्या विसर्जन?
चॉकलेट सजग किया जा रहा है। तो वहाँ पे सिद्धि भाभी विसर्जन कर रहे हैं। आज हमारा गोरा बाबूजे तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं घर पे। तो इनको ढक्के क्यों ले जाया जा रहा है दीदी? ढकने का मतलब ये है कि जैसे गोरा जी अपने ससुराल आ गए हैं, ठीक है, और जो ईश्वर जी है जैसे जाते नहीं जेंट्स लोग कमाने के लिए बाहर परदेश, अच्छा, तो वैसे परदेश में सब कमाने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो ये ससुराल जाएंगे और वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं। अच्छा अच्छा, ससुराल में छोड़ के अपनी संस्कृति कितनी डिटेल में होती है ना? बहुत छोटी अपनी संस्कृति, मतलब छोटी छोटी में बहुत बड़ा वो डिटेल होता है। अच्छा, जो राजस्थान में हर छोटी छोटी चीज इतनी धूमधाम से मनाई जाती है ना कि हम लोग उसको बहुत ही राजस्थान में हर छोटा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। राजस्थान में कोई भी त्योहार उसको इतनी धूमधाम से मनाया जाता है ना, बहुत जोरदार सेलिब्रेट, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। So, ये सब हमारे सब्सक्राइबर है जो इस वीडियो में आएंगे। तो बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हैप्पी गणगौर की विदाई। आज से गणगौर अपने ससुराल चली गई। गणगौर की विदाई हो चुकी है। कोई नहीं, कोई नहीं, जगन जी आए हैं, हमें बहुत बढ़िया लगा। हमारा काम धाम करवाया ना, जनपंच सेवा करवाई है। अपना ही है, काम अपना ही है। चलो आना, ठीक है, करते बाय। फाइनली गाइस अभी हम बुआ के घर से निकल चुके हैं और अभी हम घर जा रहे हैं। तो घर जाके फिर एडिट करके और ब्लॉग हम अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नाइट को। तो फाइनली गाइज अभी हम घर आ चुके हैं। घर आके देख रहे हैं कि मम्मी आराम कर रहे हैं एसी में और पापा भी घर पे ही हैं। सामान दिया डिक्की में रखे था नहीं बचा। सो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करने जाया वहाँ मतलब पूरा बता। तो चलो गाइज इस ब्लॉग को बैन करते हैं। तो काफी आज लंबा ब्लॉग हो गया है। सो कीप टच विथ न्यू ब्लॉग्स एवरी डे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा आज के ब्लॉग में ये भी मुझे बताएं। कोई बात कर रहा हूँ सही मैंने मम्मी बाय करो।